हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा 6 रो रिपीट पैटर्न लेकर आई हूँ। ये बेबी स्वेटर के लिए बहुत प्यारा पैटर्न है। आप इसे लेडीज़ कार्डिगन के लिए, लेडीज़ स्वेटर के और गर्ल्स के सभी वूलन प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। बेबी के भी सभी वूलन प्रोजेक्ट के लिए अच्छा लगता है। जेंट्स स्वेटर के लिए बहुत ही प्यारा डिज़ाइन है। ये इसका रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। ये जो डिज़ाइन है ये रॉन्ग साइड की तरफ से डाला जाता है और आप इसे 6 रो पे कंप्लीट करेंगे। इसमें फंदे देख लेते हैं हम। तो इसमें फंदे जो है वो 3 के मल्टीपल में लिए जाते हैं, प्लस में 2 स्टिच लेने से डिज़ाइन सेट हो जाता है और दोनों तरफ एच के लिए एक एक फंदा लिया जाता है। ये जो डिज़ाइन है, आप इस डिज़ाइन को बनाएंगे तो बॉर्डर के बाद सीधी रो बिन लेंगे और रॉन्ग साइड से आप डिज़ाइन को डालना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर फंदे ले लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला फंदा और ये वाला फंदा मेरे एच के लिए है, यानी कि 2 एच जो हम एच के लिए लेते हैं, ये 3 और ये 3 के मल्टीपल में मैंने 2 टाइम स्टिच ले लिया और प्लस 2 स्टिच जो हमारे डिज़ाइन को सेट कर देगा। तो ये हमारा फंदा है, राइट साइड के मैंने रो इसमें है जो बिन ली है और अब हम रॉन्ग साइड की तरफ आएंगे। तो बॉर्डर के बाद आप राइट साइड की रो बिनने के बाद कलर को चेंज करेंगे। जो भी आप दूसरा कलर लगा रहे हैं उसकी रो फर्स्ट आप रॉन्ग साइड से बिनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रो फर्स्ट कैसे बिनना है। तो ये जो रो फर्स्ट आएगी ये आपकी उल्टी बिनने से शुरू होगी। देखिए इस तरीके से आपको जो है वो फंदों को उल्टा बिनना है। आप कोई भी 2 कलर ले सकते हैं, लाइट और डार्क, या डार्क दोनों डार्क या दोनों लाइट कलर, लेकिन ये डिज़ाइन एक डार्क एक लाइट कलर में सबसे प्यारा लगता है। तो यहाँ पर मैंने इसे बेबी सूट बेबी स्वेटर के लिए बनाया है, इस डिज़ाइन को कंप्लीट किया है। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो डिज़ाइन की फर्स्ट रो है वो रॉन्ग साइड से हमने उल्टा बिन के कम्प्लीट कर ली है, ठीक। अब हम राइट साइड की तरफ आएंगे। अब राइट साइड की तरफ देखिए हमें कैसे बिनना है। तो सबसे पहले हमने जो है पहले फंदे को स्लिप कर देना है। अब हमें ऊन को अपनी तरफ करना है और ये देखिए 3 है ना, ये 3 के फंदे। तो इन 3 के फंदों को देखिए कैसे बिनना है। पहले 2 फंदे हमें उल्टे बिनने हैं, 1 2, ऊन पीछे करना है और 1 फंदा सीधा बिनना है। ये हमारे 3 फंदे हो गए। अब यही फंदे रिपीट होंगे, 2 फंदे उल्टे और 1 फंदा सीधा। यही आप पूरी रो में रिपीट करेंगे। देखिए ये 3 और ये 3, यही फंदे आप पूरी राइट साइड की 3rd रो पे, 2nd रो पे रिपीट करेंगे और लास्ट में 2 फंदे जो है वो हमारे डिज़ाइन को सेट करेगा और इन्हें हमें उल्टा बिनना है। ऊन पीछे करेंगे, लास्ट के फंदे को हम सीधा बिनते हुए रो को कम्प्लीट करेंगे। तो 2 रो हमारी कम्प्लीट हो गई। रो 3rd पर आ गए, रॉन्ग साइड की रो आएगी हमारी। रॉन्ग साइड की रो को हमें पूरा उल्टा बिन लेना है। देखिए सभी फंदों को आपको इसे उल्टा ही बिन लेना है। तो ये जो बेसिकली जो डिज़ाइन है ये उल्टी और सीधी दोनों तरीके से बिनी जाती है, लेकिन रॉन्ग साइड से आप इसे उल्टा ही बिनेंगे। तो यहाँ पे हमने अपनी रो 3rd जो है वो कंप्लीट कर ली है, ठीक, रॉन्ग साइड से उल्टा बिन के। यहाँ पर अब देखिए रो 4 आ गई है और देखिए कुछ इस तरीके से फंदे दिखाई देंगे आपको, 1 फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे। अब देखिए हमें कैसे बिनना है। हमें पहले फंदे को स्लिप करना है, 2 फंदे हमारे ये वाले जो हैं ये पूरी डिज़ाइन में इसी तरीके से बिने जाएंगे, यानी कि इन 2 फंदों को आपको दोनों तरफ से उल्टा ही बिनना है। अब ये देखिए ये हमारा सीधा फंदा, इसमें हमने 2 फंदे बनाए हैं। देखिए तो 2 फंदे जो हमारे बिने उसके पहले फंदे, ये वाला जो दिख रहा है ना, जो आपने पहली जो आपने रो बिनी थी उसमें से हमें एक ऐसा फंदा निकाल लेना है इस तरीके से। और उसके बाद देखिए, ये देखिए पहले फंदे में से हमें एक फंदा निकालना है। फिर एक बार दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए ये जो है ना हमारा पहला फंदा, इसमें से हमें एक फंदा निकालना है। ये देखिए इसमें से फर्स्ट स्टिच में से हमें एक स्टिच निकालना है, ऊन को इस तरीके से लपेट लेना है। फिर दूसरे फंदे में से हमें एक और फंदा निकालना है, देखिए इसके ऊपर वाले फंदे में से एक और फंदा निकालना है। फिर ऊन को हमें इस तरीके से देखिए लपेट लेना है सिलाई पर, और जो हमारा निडल पे फंदा है इसे हमें सीधा बिन लेना है, ठीक। तो यहाँ पर हमने 5 फंदे बना लिए। ऊन अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे बिनेंगे, 1 और 2, ऊन पीछे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए टोटल हमारे पास 3 फंदे हैं ये, तो पहले फंदे से निकालेंगे हम, ये देखिए इस तरीके से 1 फंदा निकालेंगे। फिर ऊन को ऐसे लपेट लेंगे, यानी कि दूसरा फंदा बना लेंगे। फिर ये वाला देखिए, जो ये वाला हमारा फंदा है ना, इसमें से फिर हम 1 फंदा निकालेंगे, यानी कि
जो हमने पहले फंदा निकाला था उसके ऊपर वाले फंदे में से एक फंदा निकालेंगे, फिर ऊन को ऐसे लपेट लेंगे और जो हमारा निडल पे फंदा है उसे हम सीधा बिन लेंगे। तो हमें तीन फंदों में से पांच फंदे बना लिए हमने। अब हम फिर से ऊन को अपनी तरफ लाएंगे और दो फंदे उल्टे बिन लेंगे, एक और दो, ऊन पीछे करेंगे, लास्ट का फंदा हमारा सीधा बिना जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो रो है वो कम्प्लीट हो गई। अब हम रॉन्ग साइड की तरफ आएंगे। अभी देखिए इस रो को हमें कैसे बिनना है। देखिए एक फंदा स्लिप करेंगे, दो फंदे हम उल्टे बिनेंगे। अब देखिए ये हमने पांच फंदे बना लिए थे ना, इसको हमें कैसे खोलना है। देखिए जो हमने बिना था उस फंदे को हम दूसरी निडल पे ले लेंगे, जो लपेटा था उसे छोड़ देंगे, जो बिना था उसे दूसरी सिलाई पे ले लेंगे, जो लपेटा था फंदा ना ऊपर से लिया था उसे छोड़ देंगे। तो तीन लूज फंदे हमारे पास तैयार हो जाएंगे। देखिए इस तरह ही लूज हो जाएंगे, ठीक है। अब दो इनको हमें नहीं बिनना है, अब हमें दो फंदे उल्टे बिनने हैं, एक और दो। अब फिर से हम इन जो हमारे पांच फंदे हमने राइट साइड से बनाए थे उन्हें हम खोलेंगे। देखिए जो बिना वाला फंदा उसे दूसरी सिलाई पे ले लेंगे, जो लपेटा था फंदा उसे हम छोड़ देंगे, फिर जो फंदा बिना था उसे हम दूसरी सिलाई पे ले लेंगे, जो लपेटा था उसे हम छोड़ देंगे, और ये हमारा पहला फंदा आ गया। तो इनको हम लूज कर लेंगे। अब हम दो फंदे उल्टे बिनेंगे, इन तीन फंदों को नहीं बिनना है, आगे वाले दो फंदे उल्टे बिनेंगे, लास्ट का फंदा उल्टा बिनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे हमारी फिफ्थ रो कंप्लीट हो गई, रो सिक्स आ गई और ये हमारी राइट साइड की तरफ आएगी। अब देखिए इसे कैसे बिनना है। पहला फंदा स्लिप किया, ऊन अपनी तरफ किया, दो फंदे उल्टे बिनेंगे, ये हमेशा ऐसे ही बिने जाएंगे। तो दो फंदे उल्टे, ऊन पीछे। अभी देखिए हमारे तीन लूज फंदे हैं, ये तीन फंदे हैं ना, इन तीन फंदों को हमें एक साथ सीधा बिन देना है, यानी कि तीन फंदों का एक फंदा बना देना है। देखिए इस तरह लेंगे और ऐसे एक फंदा बना देंगे, ये देखिए। फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे जो हैं उल्टे बिनेंगे, एक और दो, ऊन ये ऊन पीछे करेंगे, दो फंदे उल्टे बिनने का तो ऊन पीछे करेंगे। अब ये तीन हमारे पास लूज फंदे थे, इन्हें हमें एक साथ बिन लेना है। दो तीनों फंदों को एक साथ सिलाई पे लेना है और एक फंदा बना लेना है, देखिए तीन फंदों का एक फंदा ये। अब ऊन अपनी तरफ करेंगे, दो फंदे उल्टे बिनेंगे, एक और दो, ऊन पीछे करेंगे, लास्ट का फंदा जो है वो हम सीधा बिनते हुए रो को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सिक्स रो कंप्लीट हो गई है। अब मैं फिर से आपको एक बार फर्स्ट रो बता देती हूँ। यहाँ पे हम फिर से एक बार कलर को चेंज करेंगे और कलर को चेंज करते हुए हम ये वाली रो फर्स्ट बिनेंगे डिज़ाइन की फिर से एक बार। तो इसे हम पूरा उल्टा बिन के ही कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर हमारी सेकंड टाइम जो डिज़ाइन है वो शुरू हो गई है। फर्स्ट रो हम बिन रहे हैं, उल्टा बिन के पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्योंकि टू कलर में बना रहे हैं तो आपको हर सिक्स रो के बाद कलर को चेंज कर देना है। हर सिक्स रो के बाद हम सेकेंड कलर से अपना जो डिज़ाइन है कंप्लीट करेंगे। हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई उल्टा बिन के और हमारा डिज़ाइन देखिए इस तरीके से है, काफ़ी उभरा हुआ डिज़ाइन होता है। अब यहाँ से आप जो राइट साइड की रो शुरू करेंगे सेकंड, और इसी तरीके से आप सिक्स रो कंप्लीट करेंगे। तो बड़ा प्यारा ही पैटर्न है, ये बेबी प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा है। और जब आप इसे कंटिन्यू बनाएंगे ना, अभी आपको ऐसा दिख रहा है लेकिन जब आप इसे कंटिन्यू थोड़ा ज़्यादा बनाएंगे तो ये आपको इस तरीके का दिखाई देगा। बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अच्छा पैटर्न है। अगर आप कोई बेबी स्वेटर बनाना चाह रहे हैं तो आप उस पर ये वाला डिज़ाइन ज़रूर बनाइए। कैप के लिए बहुत अच्छा डिज़ाइन है। आई होप आपको ये डिज़ाइन पसंद आएगा और आप ज़रूर किसी ना किसी वूलन प्रोजेक्ट पे से यूज़ करेंगे। लेडीज़ कार्डिगन के लिए अच्छा डिज़ाइन है, मैं जल्दी इसे किसी स्वेटर पर यूज़ करके आपको दिखाऊंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।